हो चुका है। आज अपन इस वीडियो में टैब फिलअप का पूरा प्रोसेस समझेंगे, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक जरूर देखें, जिससे किसी भी तरह की कोई भी जानकारी ना छूट। अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके और नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की जानकारी सर्वप्रथम आपको मिल सके। तो यहाँ पर राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के द्वारा नोटिफिकेशन निकाला गया था, 3 अगस्त को नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके अंतर्गत आपने को बताया था कि जो आपका 1 से 12 तक जो स्टडी करवाते हैं टीचरगण हैं, उसके साथ साथ संस्था प्रधान हैं, इन सारे को टैब फिलअप करना जरूरी है। और टैब फिलअप का जो टाइम पीरियड है वो भी दिया था, जनवरी टू जून 2023 सेशन के लिए टैब फिलअप का जो प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत L1 L2 के शिक्षक और संस्था प्रधान, उनको 23 अगस्त से 31 अगस्त के मध्य अपना फॉर्म फिलअप करना था। उसके बाद जो सेकेंडरी शिक्षा विभाग में है, जो अध्यापक लेवल L2 1-2 और उसके बाद में वरिष्ठ अध्यापक हैं, तो उनका 1 सितंबर से 11 सितंबर 2023 के मध्य फॉर्म फिलअप करने का प्रोसेस है। उसके बाद में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत जो व्याख्याता है, संस्था प्रधान है या मॉडल विद्यालय के शिक्षक और संस्था प्रधान है, इनको 12 सितंबर से 20 सितंबर के मध्य फॉर्म फिलअप करना है। यह प्रोसेस अपने को स्टाफ विंडो के माध्यम से ऑनलाइन प्रोसेस करना है। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टैब का फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको नियंत्रण अधिकारी को सिलेक्ट करना है। तो अपन नियंत्रण अधिकारी आपका कौन होगा वो भी देख सकते हैं यहाँ पे, जो पीओ के अधीन परिक्षेत्र के अंदर आती है, जो भी प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय उनके शिक्षक और संस्था प्रधान, उनके लिए नियंत्रण अधिकारी है, उनका पीओ है। उसके बाद में जो पीओ विद्यालय में कार्य शिक्षक है उनके नियंत्रण अधिकारी भी पीओ है। उसके बाद में उस माध्यमिक विद्यालय जो पीओ स्कूल नहीं है, अन्य स्कूल है, तो उनमें जो इनका नियंत्रण अधिकारी होगा वो वहाँ का प्रधानाचार्य होगा। और उसके बाद में शहरी क्षेत्र के अंतर्गत जो विद्यालय संचालित है, प्राथमिक उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय एवं शिक्षक और संस्था प्रधान है, इनके लिए नियंत्रण अधिकारी UCO होंगे। और उसके बाद में जो ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जो PO स्कूल है और अन्य जो माध्यमिक स्कूल हैं उनके नियंत्रण प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य के नियंत्रण अधिकारी हैं वो CBO होगा। और शहरी क्षेत्र के उस माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत प्रधानाचार्य हैं उनके लिए भी CBO नियंत्रण अधिकारी होंगे। तो उनका नाम दर्ज करना होगा और उनके मोबाइल नंबर दर्ज करने होंगे आपको। ये जो आपके आदेश के अंतर्गत था इसके अकॉर्डिंग अपने को फॉर्म फिलअप करना है। और फॉर्म फिलअप करने के लिए अपने को सर्वप्रथम स्टाफ विंडो ओपन कर देना है, जो कि कुछ इस तरह का नजर आ जाएगा। इसके अंतर्गत जो अप्लाई नाउ का टैब दिख रहा है, अप्लाई का, इस पर आपको क्लिक करना होगा। अप्लाई के अंतर्गत आपको टैब का ऑप्शन मिल जाएगा। टैब को फॉर्म फिलअप करते समय आपको किन किन सावधानी को ध्यान रखना है, उन सारी बातों पर चर्चा करें, तो वीडियो को स्किप ना करना है। और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, शिक्षा विभाग की नवीनतम अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। जैसे यहाँ पर टैब 2022 पार्ट 2 दिख रहा है, इसी तरह आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा, टैब 2023 पार्ट 1 मिल जाएगा। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू पॉपअप पर लेकर जाएगा, जिसके अंदर टैब का ऑप्शन है जो ओपन हो जाता है। अभी यहाँ पर ये जो ये अपडेट नहीं हुआ है, कुछ ही समय में ये अपडेट हो जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखेगा, जिसके अंतर्गत आपको यहाँ पर सारी जानकारी मिल जाती है, शिक्षक का नाम मिल जाता है, एम्प्लॉय आईडी मिल जाती है, और विद्यालय का NIC ID है और कार्मिक का NIC ID है, ये मोबाइल नंबर है, UDIS है, ये सारी जानकारी मिल जाती है। और कार्मिक का मूल पद कौन सा है और मूल विषय कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। उसके बाद में आपको यहाँ पर कुछ ध्यान रखना है, जैसे कि आपको सर्वप्रथम टैब फिलअप करते समय आपके कक्षा अध्यापक और विषयाध्यापक की जो मैपिंग होती है, सब्जेक्ट टीचर मैपिंग या क्लास टीचर मैपिंग, वो आप विद्यालय लॉगिन के माध्यम से पहले मैपिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर आपको है जो अपनी सब्जेक्ट हैं जो मिल जाती है, आपको कौन कौन सी सब्जेक्ट आमंत्रित की गई है, जो कि कुछ इस तरह दिखती है, जिसके अंदर आपको क्लासें मिल जाती है, आपके सब्जेक्टें मिल जाती है, आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आवंटित की गई है वो जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो एक बार इसको आपको 2023-24 के अंतर्गत जो सेशन के अंतर्गत है उसको एक बार सब्जेक्ट मैपिंग जरूर कर लेनी है विद्यालय लॉगिन के माध्यम। उसके बाद में आपको यहाँ पर अपनी विगत 6 माह के अंतर्गत आपकी विद्यालय में उपस्थिति किस तरह रही है, जैसे कि औसत उपस्थिति आपको बतानी है, परसेंटेज के अंतर्गत 60% से कम है या 60-80 है या 81 से अबो है, उसको आपको सेलेक्ट करना है। अगर आपकी प्रतिनियुक्ति या डेपोटेशन हुआ है तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद में अगर डेपोटेशन हुआ है तो किस क्षेत्र में हुआ, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, ये आपको सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद में अपने को यहाँ पर जो मानदंड देने हैं, ये जो कार्य निष्पादन कार्य किए जाते हैं जिनको 1-5 में रैंकिंग देनी है, इसके अंतर्गत संस्था प्रधान यदि स्वयं शिक्षक के रूप में प्रपत्र भर रहा है तो कॉलम 4 को PO और CBO द्वारा भरा जाना है, यानी कि ये कॉलम है जो PO और CBO के द्वारा भरा जाएगा, ये वाला कॉलम, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अपने को इस कॉलम के अंतर्गत है सारों में आपको एक एक को पढ़ करके अच्छे तरह आपके अपने हिसाब से है जो इनको रैंकिंग देनी है, 1-5 के अंतर्गत 1 सबसे कम है और 5 सबसे ऊपर है, तो आपको इनको रैंकिंग दे देनी है। रैंकिंग देने के बाद में अपने आगे बढ़ना है। यहाँ पर जैसे आप रैंकिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पर आपको है जो ग्रेड मिल जाएगा कि आप ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड या डी, किस ग्रेड में आते हैं रैंकिंग के हिसाब से। उसके बाद में अपने को यहाँ पर सेलेक्ट करना है संस्था प्रधान के कार्य का समग्र मूल्यांकन तो किस तरह रहा है, यह नियंत्रण अधिकारी द्वारा यहाँ पर टिक किया जाएगा। उसके बाद में नियंत्रण अधिकारी का आपको नाम दर्ज करना है, मोबाइल नंबर दर्ज करने के बाद में सेव करना है, यहाँ पर यह ध्यान रखना है।
उसके बाद में अपन फॉरम के भाग टू पे चले जाएंगे। यहाँ पर आपको चुनौती है उनका सेलेक्ट करना है कि शिक्षक और संस्थापक शिक्षण कार्य को बेहतर बनाने में महसूस की जाने वाली किन्हीं तीन चुनौतियों को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको उनको 1/2 क्रम देना है, घटते क्रम देना है। जैसे 1/2 के अंतर्गत जैसे एक है तो आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी है। उसके बाद में जैसे सबसे बड़ी चुनौती है तो आपको 1 देना है, उससे छोटी है तो 2, और सबसे कम है तो उसको 3 देना है। ये वरीयता क्रम रखना है। उसके बाद में इस तरफ में आपको प्रशिक्षण की आवश्यकता महसूस की जाती है तो उनको आपको सेलेक्ट करना है, और आपको कम से कम 3 को सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद में अपने को आगे बढ़ना है। यहाँ पर डाटा रिसेट भी कर सकते हैं, और विद्यालय के अंदर शैक्षणिक कार्य आपने कौन कौन से किए हैं इनको एक बार आप टिक कर देना है। टिक करने के बाद में सबमिट करना है, सेव करते रहना है हर टैब को। और अब अपन पहुँच जाएंगे जैसे थर्ड टैब आ जाता है यहाँ पर, जो कि भाग थर्ड आपका ओपन हो जाता है। इस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको है जो प्रशिक्षण की एंट्री करनी होगी, यानी आपका प्रशिक्षण है आपको ध्यान रखना है। प्रशिक्षण के अंतर्गत आपको जनवरी 2 जून 2023 के मध्य कौन कौन सा प्रशिक्षण हुआ है उसको आपको सेलेक्ट करना है, और प्रशिक्षण के अंतर्गत आपको कॉलमों को फिलअप करना है कोड के माध्यम से। और यहाँ पर कुछ इस तरह दिखेगा जिसके अंतर्गत आपको बताना है। यहाँ पर मिल जाता है सीरियल क्रम, उसके अंतर्गत आप तक ट्रेनिंग है किस तरह की हुई है, कैसे ट्रेनिंग, जिस तरह आपको बताना है कि प्रशिक्षण या कार्यशाला का आपको नाम दर्ज कर देना है फर्स्ट टैब के अंदर। उसके बाद में आप ये जानकारी है जो अपने प्रपत्र 10 में भी आप फिलअप कर सकते हैं, और प्रशिक्षण कब शुरू हुआ है उसकी डेट दर्ज करनी है, और प्रशिक्षण कितने दिन हुआ है वो दिन दर्ज करने हैं। उसके बाद में प्रशिक्षण में आपकी क्या भूमिका थी वो आपको सेलेक्ट करना है, और प्रशिक्षण में कौन से विषय पर है प्रशिक्षण आपका हुआ है, यानी कि आपकी ट्रेनिंग किस टॉपिक पर रही है वो टॉपिक यहाँ पर दर्ज करना है। उसके बाद में प्रशिक्षण है किसके द्वारा आयोजित करवाया जा रहा है उसको यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद में इसको यहाँ पर आपको ग्रेडिंग है जो सेलेक्ट करनी है। ग्रेडिंग सेलेक्ट करने के बाद में सेव पे क्लिक करना है, आपका डाटा सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद में आप आगे भी इसको ऐड कर सकते हैं, एक है दो या जितनी भी आपकी ट्रेनिंग हुई है। उसके बाद में आपको अगर कंप्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त हुआ है, कंप्यूटर की आपने ट्रेनिंग की है तो यस करना है। यस करने के बाद में आगे बढ़ना है, अगर नहीं किया तो नो कर सकते हैं, नहीं पे टिक करना है। उसके बाद में इनको मानदंड देना है, आपको 1/5 के अंतर्गत रैंकिंग दर्ज करनी है जिसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक है और प्रशिक्षण है, विभागीय प्रशासन की कार्यशैली कैसी है इनके संबंध में आपको यहाँ पर रैंकिंग देनी है। यहाँ पर ध्यान रखना है 1 सबसे कम है और 5 सबसे उत्कृष्ट है, तो आपको इन टॉपिक के अंतर्गत यहाँ पर रैंकिंग देनी है कि इन टॉपिक को आप किस तरह रैंकिंग दे सकते हैं। इनको एक बार रीड आउट करना है, रीड आउट करने के बाद में आपको रैंकिंग दर्ज करनी है। रैंकिंग दर्ज करने के बाद में आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद में एक बार आपका डाटा सेव हो जाता है, और उसके बाद में आपको यहाँ पर फाइनल लॉक करना होगा। फाइनल लॉक करने के बाद में आपका डाटा है जो कम्प्लीटली फिलअप हो जाता है, उसके बाद में किसी भी तरह का करेक्शन नहीं होगा। तो एक बार सबमिट करना है, उसके बाद में एक बार प्रीव्यू और कर लें, और प्रीव्यू करने के बाद में ही फाइनल सबमिट करें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।